वेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है सुल्तान में अपार्ट फ्रॉम सलमान खान एंड अली अब्बास जफर, वो एक सिमिलर चीज क्या है जो 5 जून 2019 में होने वाली है? एनी गैसेस? क्या आप लोगों ने गैस किया है? वेल, अगर आप लोगों में से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ध्यान दिया होगा तो जब टाइगर जिंदा है और सुल्तान के बाद इस साल भारत की रिलीज डेट को अनाउंस किया गया था 2 दिन पहले ट्रेड में कि 5 जून 2019 को भारत आपके नजदीकी सिनेमा घरों में लगेगी। उसके बाद एक और अनाउंसमेंट हुआ था जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे, वो था द 5 डेज एक्सटेंडेड वीकेंड। यस मेरा भाई, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस पे, बहुत लोगों को लगा रहे ये कुछ लिखा होगा ट्रेड का बारे में, कुछ लिखा होगा, अपने को उससे क्या लेना देना। लेकिन गाइज, वो जो ट्वीट था वो स्पेशली उन लोगों के लिए था जिन लोगों को लग रहा था कि बॉक्स ऑफिस पे अब उस तरह की, उस किस्म की कमाई जहां फिल्में 300 स्पेशली सलमान खान की फिल्में जो करती थी, वैसा जादू होना अब मुश्किल हो चुका है। वैसे आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा किस तरह से भारत का जो है 5 दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड है वो उसको उस तरह का धन बरसाएगा जो पहले भी 2 तरह की फिल्मों में, यानी कि सुल्तान और टाइगर जिंदा है में, उसे प्राप्त हुआ था। वेल फ्रेंड्स, अब पहले बात करते हैं इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में। 5th of June 2019। बहुत लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप का सवाल उठाएंगे मेरे सामने। वेल फ्रेंड्स, इंतजार कीजिए आप 24 अप्रैल का, जब इस फिल्म का ट्रेलर आएगा। मैं सही वक्त पे सही बात करने में विश्वास रखता हूँ, अभी से बोल के कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इस फिल्म का ट्रेलर आएगा उसका ट्रेलर रिव्यू के एग्जैक्ट कुछ घंटों के बाद मैं भारत और वर्ल्ड कप के बारे में बात करूंगा, और जब मैं बोलूंगा उसके बाद आपके दिल में वर्ल्ड कप के रिलेटेड कोई डाउट होगा नहीं। तब तक का इंतजार कीजिए, अभी फिलहाल जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। 5 जून ईद, 6 जून बासी ईद, ऑलमोस्ट जितने भी फेस्टिविटीज है उसका दूसरा दिन रहता है। इट्स लाइक एन हॉलीडे, इट्स लाइक एन पोस्ट ईद डे हॉलीडे, जहां पर लोग ज्यादा करके फिल्म देखने के लिए जाते हैं। ईद पे तो जाते ही है लेकिन बासी ईद पे और ज्यादा भीड़ होती है। एंड देन द 3 डे एक्सटेंडेड वीकेंड, द फ्राइडे, द सैटरडे, द संडे। पिछली बार जब ऐसा माहौल हुआ था पहली बार, वो था सुल्तान में। पहले दिन सुल्तान में इस फिल्म 36.54, दूसरे दिन 37.32, तीसरे दिन 31.67, चौथे दिन 36.62 और पांचवे दिन 38.21 करोड़ रुपए कमा के मात्र 5 दिनों में 180.36। अभी तक बॉलीवुड इतिहास में इस फिल्म के रिकॉर्ड को किसी ने नहीं तोड़ा, यानी कि 5 दिनों में अभी तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने 180.36 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया। दिस इज सलमान खान फॉर यू मैन। उसने 5 दिन में, आज से 3 साल पहले सुल्तान फिल्म में 180.36 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। एंड यू थिंक दिस ईद व्हेन ही कम बैक विद भारत, द सेम डायरेक्टर, द सेम एक्साइटमेंट, द सेम यूफोरिया, वो भी ईद में इस तरह की बड़ी फिल्म लेके, आप लोग को रिकॉर्ड्स की टेंशन हो रही है? आराम से रहो मेरा भाई, 5 दिनों का है। चलो, एक बार आदमी अगर कुछ चीज करता है तो उसको लक कहा जाता है। कहते हैं ना, अरे तुक्के में लग गया। अभी जितने लोग हैं ये बोल रहे विक्की कौशल की उड़ी 240 के ऊपर कई पिक्चर, अरे तुक्का लग गया। चलो, ऐसे ही रणवीर सिंह के साथ भी हुआ था, रामलीला हिट हो गया, अरे तुक्का लग गया, अरे बाजीराव हिट हो गया, तुक्का लग गया। लेकिन उसके बाद में उस बंदे ने अपने आप को पद्मावत में, गली बॉय में, सिम्बा में प्रूव किया, दैट्स नॉट अ तुक्का मेरा भाई। और सलमान खान ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार, जब क्रिसमस ऑफ 2017, दिस क्रिसमस देर विल बी पीस, टाइगर जिंदा है में वापस से ये बवाल किया था। 34.10 डे 1, 35.30 डे 2 और 45.53, उस टाइम का हाईएस्ट डे 1 था ऑफिशियल फिगर। अभी तो ऑब्वियसली आमिर मामू की ठग्स है, 50 खोके के ऊपर कमाई है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। और चौथे दिन 36.54 और पांचवें दिन 21.60 करोड़ रुपए कमा के टाइगर जिंदा है ने 5 दिनों में 173.07 करोड़ रुपए कमाई की थी। यानी कि उस बंदे के पास 2 फिल्में हैं एक्सटेंडेड वीकेंड, वो भी 5 दिनों का, विद अली अब्बास जफर एंड सलमान खान एंड कमिंग टुगेदर ऑन ईद, अनदर 5 डे बोनांजा।
एक्सपेक्ट बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स टू बी ब्रोकन। मैंने आप लोगों को पहले से वॉर्न कर दिया है, आगाह कर दिया है कि 5 दिनों का जो वीकेंड का जो ट्वीट आया था तो बहुत लोगों को नहीं समझा था, वो अब समझ जाओ किस लिए किया गया था। बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स आर ऑल सेट टू बी शैटर्ड। दिस इज मिया बरनसाई साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज सेफ, स्टे कूल मेरा भाई।